गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके व्याकरण से पाठ 6 नाम वाले शब्द पाठ पढ़ रहे हैं। इस संसार में जो कुछ भी है सभी चीज़ों के नाम हैं। ये आपको पता है, आप जिन जिन चीज़ों के बारे में जानते हैं या अपने आसपास देखते हैं उन सभी चीज़ों के अपने नाम हैं। लड़की, लड़का, आदमी, औरत, किताब, कपड़ा, पेड़। व्यक्तियों के लिए आदमी, औरत, लड़का, लड़की शब्दों का प्रयोग किया जाता है ताकि हम उन्हें पहचान सकें, उनके नामों से उन्हें जान सकें। सबका अपना नाम। हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का अपना भी एक नाम होता है। इन नामों से उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान होती है। स्थान जैसे नदी, पहाड़, शहर। व्यक्ति जैसे जवाहरलाल नेहरू, मदर टेरेसा, मोगली, इन सभी के बारे में हमने सुना है और हम इन्हें पहचानते हैं इनके नामों से। वस्तुएं, पंचतंत्र, अचकन, बरगद, ये सभी वस्तुएं हैं और हम इन्हें भी इनके नामों से ही जानते हैं। दिल्ली, पटना, कोलकाता, ये सभी शहर है और हमें ये इनके नामों से ही हम इनको जान पाते हैं। कुछ और नाम जानो। नदियों के नाम यमुना, गंगा, नर्मदा। फूलों के नाम गेंदा, गुलाब, चमेली। महीनों के नाम फरवरी, मई, जुलाई। इसी तरह हर चीज़ों का अलग अलग अपना अपना नाम है। पढ़कर अंतर जानो। सबका नाम, ये सभी फूल हैं लेकिन इन सभी फूलों का अपना अपना नाम है, जैसे गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सभी अलग अलग हैं। ये सभी फूल हैं पर इनके नाम अलग अलग हैं। सबका नाम। खाना, ये सभी खाने की चीज़ें हैं लेकिन इन सभी का नाम अलग अलग है, जैसे राजमा, रोटी, चावल। ये सभी खाने की चीज़ें हैं, इसको हम खाना कहेंगे लेकिन इन सभी चीज़ों के अपने अलग अलग पहचान के लिए नाम है, राजमा, रोटी, चावल। हर वस्तु का अपना अपना नाम होता है। चित्रों पर सही का निशान लगाओ। चित्र देखने हैं और उनके सही नाम पढ़कर उसके आगे निशान लगाने हैं आपको। पशुओं और पक्षियों के नाम चुनकर अलग अलग लिखने हैं। पशुओं के नाम यहाँ और पक्षियों के यहाँ, इन सभी शब्दों में से छांट कर यहाँ लिखेंगे। चित्र देखना है और उनके नाम यहाँ छांट कर नीचे आपको लिखने हैं। इसे आप स्टिकर पुस्तक के अंदर आपके दिए हुए हैं, यहाँ सभी आपकी पुस्तक में स्टिकर्स दिए गए हैं जो चित्रों के सही आगे नाम उनके चिपकाने हैं और सभी का अलग अलग स्थानों पर नाम उनका छांट कर आपको लिखना है। पशुओं के नाम, पशु, पक्षी, कुत्ता, टेबल, घर, ये सभी उनके स्थान पर आपको छांट कर लिखने हैं। पहेली, इन सभी चित्रों को देखकर आपको ये पहेली खुद सुलझानी है और इन सभी के नाम ढूंढकर उन्हें इस पहेली को में लिखने हैं। पढ़ो, समझो और मिलान करो। इन सभी चीज़ों के नाम पढ़ने हैं और यहाँ आपको इन शब्दों के साथ मिलान करने हैं। जैसे राजू, अतुल, इरफान लड़कों के नाम हैं तो लड़कों से, इसी तरह आपको ये पाठ अपने पढ़ के सॉल्व करना है।